नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मतेश्वर। जींद में फर्नीचर एसोसिएशन रोहतक रोड जींद द्वारा उत्सव होटल में तिलक होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। साथ ही इस अवसर पर फर्नीचर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर अपने संबोधन में संरक्षक राजकुमार गोयल ने कहा कि फर्नीचर एसोसिएशन पिछले कई साल से फर्नीचर के दुकानदारों के हितों के लिए कार्य कर रही है। जब भी किसी दुकानदार पर कोई भी मुसीबत आ जाती है तो फर्नीचर एसोसिएशन के सभी सदस्य एकजुट होकर उस समस्या का समाधान करते हैं। गोयल ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से हर साल एसोसिएशन का चुनाव होता है और जिस पर सहमति बनती है उसे आगामी वर्ष के लिए प्रधान की जिम्मेदारी दे दी जाती है। शेष कार्यकारिणी का गठन प्रधान द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में गत वर्ष से राकेश सिंगला प्रधान पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन इस बार सर्वसम्मति से संजय गर्ग को यह जिम्मेदारी दी गई है। से दूर होती है, आपकी सोच पॉजिटिव होती है और पूरा शहर, पूरा समाज और पूरा देश एक सूत्र में बनता है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, जो लोग यूनिटी का महत्व नहीं समझते, संस्थाओं का महत्व नहीं समझते, उन सभी सदस्यों से भी मेरा अनुरोध है, आप सब लोग अपने शहर के अपने कॉलोनी के जितने लोग संस्थाओं से नहीं जुड़े हुए उनसे आप अनुरोध करें। अगर वो करियाना का काम करता है, छोटी सी भी दुकान है, तो करियाना एसोसिएशन से जुड़ जाए। अगर वो स्पेयर पार्ट का काम करता है तो स्पेयर पार्ट एसोसिएशन से जुड़ जाए। इस प्रकार धीरे धीरे जब शहर के 50,000 दुकानें एक सूत्र में पूरी तरह से बन जाएंगी तब किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि हम व्यापारियों की तरफ देख सकें। और इसीलिए आपसे गुजारिश है, मैंने जो बार बार आपको समझाने की कोशिश की है कि आप सब लोग यूनिटी करके दिखाओ। आपने पिछले दिन किसानों का आंदोलन देखा, लगातार जब तक वो सिलेक्शन नहीं उठे जब तक उनकी मांग नहीं मान ली गई, उनमें कोई खास दम नहीं है और दम आप ही दिखा सकते हैं। सिर्फ आपकी सोच में बदलाव की जरूरत है। जिस दिन आप सोच लेंगे कि मैं जितना काम मेरी दुकान के लिए करता हूँ उतना काम मेरे समाज के लिए करूँगा, मेरे जो पड़ोसी जो बंदा है उसकी दिक्कत को दूर करने के लिए करूँगा, जिस दिन आप ये संकल्प ले लेंगे तो पूरा समाज एक सूत्र में बन जाएगा, फिर किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी प्रभाव उठाकर देख सकें।